Ayman al-Zawahiri, the Al-Qaeda chief, has been killed by a U.S. special operation in an airstrike. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. U.S. ने अपने secret weapon Hellfire R9X मिसाइल को use किया था इस mission में. इस मिसाइल की खासियत ये है कि इस मिसाइल में कोई भी warhead नहीं होता, मतलब कोई भी explosive चीज नहीं होता. ये मिसाइल जिस पे target किया जाता है, बस उसी को harm करता है. इस मिसाइल की दूसरी खासियत ये है कि इसको किसी भी जगह से चलाया जा सकता है, जैसे हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, शिप्स, ग्राउंड व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट से भी. इस केस में मिसाइल को ड्रोन से चलाया गया था. जिसने भी इस मिसाइल को शूट किया वो करीब 1200 किलोमीटर दूर किसी एसी के रूम में बैठा था. ड्रोन कैमरा की हेल्प से फाइनली मौका मिलते ही उसने शूट कर दिया. CIA की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार हर सुबह अलकायदा की चीफ सुबह मॉर्निंग में अपने बालकनी में आते थे और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ इन्होंने अपना मिशन चालू किया और सही समय आते ही उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया. हेलफायर R9X इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड मॉडर्न मिसाइल्स ऑफ दिस वर्ल्ड. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो एंड शेयर करो, और अगर आपको ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट आगे भी देखना है तो फॉलो करना.